स्कूल ऑफ एजुकेशन की जानिब से एक्सरसाइज एक्सपो का इनेकाद कमसिन तलबा व तालिबात ने गैर मामूली सलाहियतों का मुजाहरा किया और अपने प्रोजेक्ट्स की तफसीलात बताते हुए चौंका दिया। मेहमान खुसूसी मोहम्मद नईम खबर ने स्कूल चेयरमैन एम एस सिद्दीकी और इंतजामिया के अलावा तलबा की जबरदस्त सताइश की। स्टैंडर्ड स्कूल ऑफ एजुकेशन की जानिब से टेक्सो साइंस एक्सपो का एहतमाम किया गया, जिसमें तलबा ने इंतहाई शानदार प्रोजेक्ट्स के जरिए आलिया तलबा और दिगर शुरका को चौंका दिया। इस प्रोग्राम में चीफ एडिटर अवाम टीवी मोहम्मद नईम खमर ने मेहमान खसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि दिगर अहम मेहमानों में मारूफ ताजिर एस ए इमरान, रियल इस्टेट ताजिर मोहम्मद फैसल अहमद और कंस्ट्रक्शन मटेरियल सप्लायर मोहम्मद असद के अलावा दिगर शामिल थे। तमाम ही मेहमानों ने तलबा के एक एक प्रोजेक्ट का तफसीली जायजा लिया और बगौर कमसिन तलबा से तफसीला सुनी। आप हैरत से चौंक जाएंगे कि 4 से 12 साल की उम्र के तलबा ने इतना शानदार मुजाहरा किया कि अकल दंग होकर रह गई। 4 से 6 साल के तलबा ने कंप्यूटर की एक एक अशिया के नाम और उनके काम के तरीक़ेकार से आगाह करते हुए शस्त्र कर दिया। तलबा के एक और ग्रुप ने एयर कंडीशन के तमाम पुर्जों और उनके काम करने के तरीक़ेकार और उसकी अहमियत पर रोशनी डालते हुए सामाइन को इस्तेजाब का शिकार बना दिया। सिविल ड्राइंग सिस्टम और कंस्ट्रक्शन की तफसीलात, पैनल टर्मिशन और किसी नुक्स पर टर्पिंग सिस्टम जैसी बारीक चीजों पर रोशनी डालते हुए तलबा ने सामाइन को हैरत के समंदर में गोते लगाने पर मजबूर कर दिया। उसी तरह मोटर वाइंडिंग सिस्टम, डेल्टा कनेक्शन, इलेक्ट्रिकल लॉ जैसी बारीकों पर भी तलबा ने हैरत अंगेज रोशनी डाली। सबसे ज्यादा हैरत का शिकार कमसिन डॉक्टरों ने कर दिया और तमाम ही मेहमान और सामे मुंह खोले, उनको सुनते ही रह गए। उन तालिबात ने जिस्म के ढांचे की अहमियत, वो इफादियत और 206 हड्डियों से मिलने वाले तहफ्फुज की तफसीलात से आगाह किया। उन तालिबात ने कहा कि अल्लाह सुबहाना ताला का ये फजल अजीम है कि उन्होंने जिस्म में ढांचा दिया और तमाम नाजुक आजा को उन हड्डियों के खौल में हिफाजत से रख दिया। इंसानी दिमाग मजबूत हड्डियों के खौल में महफूज रखा गया है, उसी तरह फेफड़े और उसके आगोश में दबा हुआ इंतहाई अहम दिल हड्डियों के पिंजरे यानी पसलियों में महफूज रखा गया है। क्यों? इस पर भी कम सिन डॉक्टर्स ने रोशनी डाली। हैरत व मसरत का शिकार मोहम्मद नईम खमर ने तमाम तलबा को दिली मुबारकबाद दी और उनके ताबनाक मुस्तकबिल के लिए दुआ की और स्कूल इंतजामिया बिलखसूस स्कूल चेयरमैन एम एस सिद्दीकी, जो कि इंतहाई तालीम याफ्ता शख्सियत है, वो बीटेक एमटेक के अलावा एमबीए बीएड और साथ ही पीजीडी सीएमसी रिसर्च साइंटिस्ट है और उनके साथ हेड मिसेस सारा खान बीटेक एमटेक एमबीए और वाइस प्रिंसिपल आफिया अमान बीटेक बीएड को दिली मुबारकबाद दी और जबरदस्त सताइश की के इस स्कूल में तलबा व तालिबात की इस तरह से तालीम व तरबियत फराहम की जा रही है। इस उम्र में तलबा को इतनी फनी मालूमात हो तो फिर उनका मुस्तकबिल इंतहाई दरख्शां व ताबनाक होगा। What is this? Teaching! What is this? Teaching! What is this? Teaching! अच्छा, इसको क्या बोलते? Lab. Okay, fine. What is this? Data bus. Okay, what is this? SMTS. SMTS. Okay. ये कौन सा केबल है? कौन सा केबल है? अच्छा. Hello, excuse me. What is this? Very good. What is this, beta? Very good. What is this? Data bus. अच्छा ठीक है, ये क्या है? तो ये अच्छा आप बोलिए, हाँ ये क्या है? अच्छा ये क्या है? अच्छा आप बोलिए नेक्स्ट, ये क्या है?
करीब आइए, करीब आइए, करीब आइए, सामने आइए, सामने आइए। हाँ क्या है? हाँ बीजे क्या फॉर्म एब्रीवेशन? गुड, व्हाट इज दिस? हाँ लैंड का फुल फॉर्म। शाबाश। नेक्स्ट आप बोलिए। पीसीआई पेरिफेरल तो ये, हाँ वेरी गुड। अच्छा ये ब्लैक क्या है? ये शाबाश। अच्छा इसको क्या बोलते हैं? वेरी गुड नेटवर्क। अच्छा ये क्या है? ये सीमॉस बैटरी। एब्रीवेशन बोलो सीमॉस बैटरी का। सीमॉस कॉम्प्लीमेंटरी मदर ऑफ साइज सेमीकंडक्टर। शाबाश। अच्छा ये शाहजन कौन है यहाँ पर? शाहजन 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 मिशन ऑफ साटा। साटा सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। व्हाट इज दिस? नॉट ब्रेक। व्हाट इज दिस? पावर कनेक्टर फोर मदरबोर्ड। व्हाट दिस थ्री थिंग्स आर? PCI का एब्रीवेशन बोलो। PCI पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरफेस। वेरी गुड। इसका एब्रीवेशन बोलो। लैन लोकल एरिया नेटवर्क। ये क्या है? यूएसबी यूनिवर्सल बस। शाबाश। व्हाट इज दिस? ये क्या है बेटा? ये मैडम 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 एक्सक्यूज मी मैडम माउस एंड कीबोर्ड। मैडम फोन आ रहा आपका। माउस एंड कीबोर्ड। ओके टर्मिनल्स। अच्छा आई लास्ट यू टर्मिनल नंबर 14। टर्मिनल नंबर 7। 2 नंबर 3 नंबर 4-5 नंबर 6 नंबर 9 अच्छा नंबर 14 नंबर 8 नंबर 7 वेरी गुड। अच्छा ट्रुथ टेबल बताइए ऑर्गेट का। 0-0-0-0-1-1-1-0-1-1-1-1 आप करके बता सकते हैं? चलिए मेरे को 0-0-0 बताइए। दो ऑफ तो ऑफ होना होगा ठीक है। हाँ 0-1 है ना राइट तो 0 करो नहीं। हाँ राइट 2-0 जीरो जीरो क्या हुआ? ऑफ। नेक्स्ट बताइए ऑन करके बताइए। ये क्या हो गया है? वेरी गुड। फिर से ऑफ करो उसको। ट्रूथ टेबल क्या है इसका? वेरी गुड कीप इट। कंप्रेसर के बारे में हम हाई टेम्परेचर वेपर टू मीडियम टेम्परेचर हाई प्रेशर लिक्विड। नाउ आई विल एक्सप्लेन अबाउट
क्या प्रिपरेशन है भैया? वेरी गुड. दिस इज द फ्रंट पैनल ऑफ द ईडर यूनिट. फर्स्ट एंड फॉर इट कंसिस्ट ऑफ ए डिस्प्ले यूनिट एंड दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ द डिस्प्ले यूनिट. वी विल प्रैक्टिस इट एंड यूजिंग इट फॉर अ लॉन्गर टाइम सो इट प्रैक्टिस. दिस इज थर्मोस्टेट. दिस इज फिल्टर एंड दिस इज आवर ऑपरेटिंग पॉइंट. दिस इज दीस आर सिप लैंप्स एंड दिस इज अ फ्लोर पैन. I'll ask you some questions. Yes, show me the condensed pipe of indoor unit. That's the condensed pipe of. Yes, show me the blower of indoor unit. This is the blower side. Liquid line of indoor unit. Liquid. From where the liquid is coming? Liquid gas. And liquid gas kaun si rahi? Compressor ke andar jo gas is ko tha. R22 gas. R22 एक्चुअली इसको बोलते हैं HFC, हाइड्रोफ्लोरो कार्बन गैस. HFC रहता है. वेरी गुड. कीप इट अप, कीप इट अप. डिस्ट्रीब्यूशन बार. Yes.
axis, right. And 6 bars in y axis. इसके मार्किंग के लिए लेते हो? सर फॉर कॉलम मार्किंग, कॉलम मार्किंग के लिए. ये कॉलम का मार्किंग बताओ. D7 क्या है? ये कॉलम का मार्किंग. आपको जो कॉलम है उसको मार्किंग बताएंगे. अच्छा ये बताइए आप आगे देखिए. एंड दिस इज फेस टू फेस मार्किंग बताओ. फेस टू फेस. अरे आगे देखिए प्लान बताइए. आर्किटेक्चरल प्लान एंड एक्सिस लाइन पॉइंट. दिस इज सन शेड. फाइव सन शेड. 1, 2, 3, 4 and 5. एंड दिस इज कॉल्ड एक्सिस लाइन. एंड 3 लिप्स देयर. 1, 2, 3. दिस टू आर रेगुलर लिप्स एंड दिस आर वन आर एंड दिस आर स्टेट्स. फोर स्टेट्स. 1, 2, 3 and 4. This is automatic stir. And this are mid lightning. And this one have for power. And this medium. And this is for type. And this is for pump. And this GRP water tank. And GRP are glass reinforced with glass steel. ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक एस्केलेटर. वो बताइए ऑपरेशन. सर 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 ऑपरेट कर रहे हैं. मैं स्विच ऑन करो बेटा. स्विच ऑफ. स्विच ऑन. राइट. स्विच ऑफ. जोर से बोलो बड़े. थोड़ा जोर से बात करो बेटा. दिस इज अ टू कॉन्टैक्टर. द पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट्स आर मूविंग कॉन्टैक्ट कॉइल मूविंग आयरन कोर मीडियम आयरन कोर कॉन्टैक्ट एलसी कॉन्टैक्ट एमओ कोर. देयर आर टू पुश बटन रेड एंड ग्रीन. रेड इज एलसी पुश बटन. इट हैज टू टर्मिनल्स. वन एंड टू. ग्रीन. ग्रीन इज एनओसी बटन. इट हैज टू टर्मिनल. रेड क्यों यूज़ करते हैं? रेड ऑफ का होता है. हाँ ये पूछ रहे हैं. ग्रीन ऑन का है. ऑन का है. ठीक है. वेरी गुड. रेड शो दिया. ठीक है. तीन कलर्स हैं पार्ट. रेड येलो ब्लू आर वाइट ब्लू. बेस तीन रहते हैं. तीन कलर्स की सप्लाई है. डिफेंस सिस्टम है. आर वाई बी. तो आर वाई बी पे डिपेंड करता पूरा हमारा इलेक्ट्रिकल लॉ और इसी पे डिपेंड करता हमारा. ये जो तुमने अपन जैसे रेड की जैसे स्टॉप.
इलेक्ट्रॉन माइनस रिपीट क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन माइनस व्हाट इज द चार्ज ऑफ प्रोटॉन प्लस व्हाट इज द चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन जीरो राइट व्हाट इज फॉर्मिंग एक मॉलिक्यूल कैसा फॉर्म होता यस यू कैन आल्सो आंसर मैटर कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल हां मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ एटम एटम कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस न्यूक्लियस प्रोटॉन प्रोटॉन एंड न्यूक्लियस बोले भाई Main and star conductor to avoid the motor from getting burned. After 10 seconds, it gets fused to the delta conductor. शुरू से पढ़ाइए. Starting से, हमने very basics. हाँ. चलिए. रुक जाइए. हाँ, अभी बताइए. First 10 seconds, it runs on main and star conductor. After 10 seconds, it gets fused to the delta conductor. Delta conductor. To avoid the motor from getting burned and the windings to get burned. We are using this starter. Yeah, we are using this starter. Correct. Right. Correct. Yeah. Right. Correct. Yeah. हाँ आपको आपको ले लीजिए अंकल को ले लीजिए अच्छा मैं बोलता हूँ अरे 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 सर 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 Today I am going to explain about the cross between the sections is called as stator. If this finding is near to the this finding is the beginning of the left one of the line is called as nucleus. The ribcage is made up of आपको मालूम ना बात के देखे ना स्टेटिफोर एक्सपेंडिंग फॉरवर्ड ऑटोमेटिक स्पीड डायरेक्टली अटैच सिस्टम नाउ इट्स कॉल्ड एज इज दैट बिकॉज़ इट डायरेक्टली अटैच सिस्टम इट्स डायरेक्टली अटैच सिस्टम नाउ इट्स कॉल्ड एज फॉर इज आर फॉर बिकॉज़ इट डायरेक्टली अटैच सिस्टम इफ इट आर नॉट करेक्टली अटैच सिस्टम कॉल्ड एज फ्लोटिंग स्पीड In order for us to hand and legs to have range of movement and to function properly, we have many bones that provide structure and ability to work respectively. Yes, it is right. Thank you.
बोलो अल्हम्दुलिल्लाह الخير صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم Yeah, why is it?
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अमर साहब का, जो अपना बहुत ही बिजी स्केड्यूल निकाल के हमको दी। इससे हमारा जो इंस्टीट्यूशन है स्टैंडर्ड स्कूल ऑफ एजुकेशन बहुत ही मोटिवेटेड फील करा। और सबसे बड़ी चीज़ ये रही कि जो बोलते हैं ना सरपरस्त का हाथ होना चाहिए सर के ऊपर, हम वो फील कर रहे हैं आज अपना अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका आने का। और टेक्नो फेस्ट जो हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, एक्चुअली हमारा मेजर मोटो स्कूल का एक ही है कि जितने भी हमारे तलबा हैं स्टूडेंट्स हैं उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिले, प्रैक्टिकली एजुकेशन जो तालीम बोलते हैं इल्म वो हासिल हो स्कूलिंग के साथ साथ एकेडमिक्स के साथ साथ। बस वही मुजाहरा किए हम लोग आज अल्हम्दुलिल्लाह, सब शिरकत किए बड़े बड़े लोग और बच्चे बहुत ही अच्छे से जो है कोऑर्डिनेट किए, बहुत अच्छे से परफॉर्म किए। एंड इवन वी आर थैंकफुल टू ऑल द पेरेंट्स फॉर प्रॉपरली कोऑर्डिनेटिंग विद अस एंड मेकिंग दिस फंक्शन वेरी फीजिबल वेरी सक्सेसफुल अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर आने के बाद मैं हैरत से तरह का, मैंने बहुत से प्रोग्रामों को अटेंड किया है, बहुत से बच्चों के पास जिनसे जाकर उनके साइंस फेयर में उन्होंने एग्जीबिशन में जाकर मैंने देखा, लेकिन यहाँ पर जब मैं आकर देखा हूँ ये बच्चे जो है उसको चार का पाँच साल छः साल सात साल आठ साल मैक्सिमम मैं समझ रहा हूँ दस साल के बच्चे हैं। और वो लोग जो इनका यानी कि उसके जो तमाम पार्ट्स उसकी फंक्शनिंग और जो सो लेकिन सिविल मैटर्स में जो मैप कैसा बनाते हैं, फिर उसमें जो कंस्ट्रक्शन में कैसा इस्तेमाल किया जाता है, और उसका जो जो मोटर वाइंडिंग में जो डेल्टा कनेक्शन होते हैं उसका अलग से, फिर पैनल टर्मिनेशन किस तरह से होता है, ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे को जो है डिग्री के बाद अच्छे हासिल होती है। वो तो चीज़ें मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, यहाँ पर बच्चों के मैं ये सोचा था कि छोटी मोटी कोई एग्जीबिशन होगी, छोटे मोटे जो बच्चों के साथ प्रोजेक्ट्स होंगे और जो सो टीचर्स उनको रट्टा मारने लगाए होंगे और बच्चे वही पेश, लेकिन आगे मैं इतना हैरत ज़्यादा हो गया। अगर मुझे पहले से मालूम होता तो मैं भी प्रिपेयर होकर आता था। मैं ऐसा महसूस करूँ कि जिससे बच्चों के सामने मैं छोटा हूँ, गैर मामूली सलाहियतों का बच्चा है जिसका पर मुजाहरा करें। मैं इन तमाम तलबा के साथ मैं फ़ख्र से भी जो छोटे छोटे डॉक्टर से मेरे साथ ठहरे हुए, मैं इनके साथ जो उसको फोटो लेने में फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ, मैं इनके साथ फ़ोटो लिया हूँ। देखिए आप लोग बच्चों को इतना प्राउड फील हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि अगर जो इस तरह का जो अगर स्कूल मैनेजमेंट इस तरह की सलाहियतों को इस्तेमाल करें, बच्चों को इस तरह से अगर प्रिपेयर करें, तो मैं समझता हूँ हमारा मुस्तकबिल बहुत ही ताबनाक होने वाला है, बहुत ही दरक्षा मुस्तकबिल होने वाला है, एक बेहतरीन जैसे जनरेशन हमारे सामने आने वाला है। मुझे यहाँ से बहुत सी उम्मीदें पैदा होती नज़र आ रही हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारे इसातेज़ा इसको रोल मॉडल बनाए, इसी के तहत जो इस तरह की जैसे बच्चों को दैनिक तरबियत देते डाला गया। लेकिन यहाँ पर बच्चों को जिस तरह से जो मैंने मुजाहरा करते हुए देखा है, बच्चे हंसते खेलते नहीं, कोई प्रेशर लिए बगैर फ्रेंडली जो सो फ्रेंकली कहीं अंदाज में जो सो अपने मुजाहरे पेश कर रहे हैं, बड़े ताजुब की बात है, खुशी की बात है, बहुत ही मसरत और हैरत की बात है। मैं तमाम जो सो तलबा को जो सो दिली मुबारकबाद देता हूँ, दुआएं देता हूँ अपनी कि अल्लाह ताला इनके जो सो मुस्तकबिल की इनका ताबनाक बनाए, और साथ ही साथ हमारे एमबीसी की ये भी हमारे जो सो हमारे जैसे बच्चों के ऐसे बच्चों की तरह है, हमारे जैसे भतीजे हैं, हमारे मतिन सिद्धू के साथ में फर्जन है, मैं उनके हक में भी दुआ गो हूँ कि उन्होंने जैसे इस अंदाज में जैसे बच्चों की तरबियत का जैसे बेड़ा उठाया। मैं यहाँ के तमाम इसातेज़ा स्टैंडर्ड स्कूल के उनको भी मुबारकबाद करता हूँ कि उन्होंने बच्चों को इस तरह से तरबियत दी है। मैं जैसे एक बार फिर मुझे यहाँ पर मौजूद किए जाने पर दिली जैसे तशक्कुर करते हुए आपको रुख कर लेता हूँ, इजाज़त दीजिए, अल्लाह।